हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेबी जंप सूट। तो ये हमारा कुर्ती का बचा हुआ कपड़ा है जिसमें से हम बेबी जंप सूट लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको हमें यहाँ से कट कर लेना है। ठीक है, ये अभी हमारा डबल लेयर है और अब हमारा कपड़ा हो गया फुल लेयर। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाप लेंगे, ये हमें 10 इंच चाहिए फोर लेयर में होने के बाद 10 इंच। ठीक है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब यहां से देखिए लंबाई नाप लेंगे, तो यहां से 12 इंच है लंबाई। ठीक है, और इस तरीके से ऊपर से नाप लेंगे तीरा। ठीक है, तो तीरा हमने लिया है 6 इंच, ऊपर से हमने तीरा 6 इंच लिया, तो 6 इंच ही हमें आर्म होल्स लेना है। ठीक है, इस तरीके से, और इसमें राउंड शेप डाल लेंगे। और यहाँ से जो ये फिटिंग है इसको हम सीधा ही रखेंगे, ऊपर से नेक रखेंगे 2 इंच यानी 2 इंच, और जो अंदर की तरफ गहराई देंगे वो हम 2.5 इंच रखेंगे। ठीक है, 2.5 इंच, इस तरीके से इसमें शेप डाल लेनी है। ठीक है, 1/2 इंच आर्म होल्स की तरफ से डाउन करेंगे, नेक की तरफ मिला देंगे, और जिस तरीके से हमने मार्क लगाया है सेम तरीके से इसको कट करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरीके से इसको हमने कट कर लिया है, नीचे से इसको एकसार कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर का हमने टॉप पीस कट कर लिया है। अब निक्कर पीस कट करेंगे, तो कपड़े को हमने फोर लेयर में रख लिया है और इसको रख के बिल्कुल बराबर नाप लेंगे इससे। ठीक है, इतना ही हमें ऊपर से रखना है। और यहाँ पर देखिए, हमें इसका जो आसन रखना है वो 8 इंच रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से 8 इंच रखना है, मार्क लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से हल्का सा इस तरीके से शेप डाल के कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से हमने मार्क लगाया सेम तरीके से कट करना है, ऊपर से एक सार कर लेंगे और नीचे की तरफ से भी एक सार कर लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ से हमने इस पीस को एक सार कर लिया है। ठीक है, ये इसके बराबर है, इस चीज़ का ध्यान रहे कि ये यहाँ से बराबर होना चाहिए। तो कुछ पट्टी हम ऑरेंज में कट कर लेंगे जो हमारे नेक और आर्म होल्स के ऊपर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसके बैक पीस को अलग कर देंगे और फ्रंट पीस के 20 सेंटर में हमें कट लगाना है। इस तरीके से 20 सेंटर को हमने कट कर लिया है, इस तरीके से इसकी शेप आएगी। और इस पट्टी को हमें इसमें जॉइंट करना है, तो जैसे हम आई हुक वाली पट्टियाँ जॉइंट करते हैं, एक बड़मा पट्टी और एक अंदर की तरफ फोल्ड करके, तो सेम तरीके से ये पट्टियाँ हमको इसमें लगानी है। तो यहाँ पर देखिए, ये हम अंदर की तरफ फोल्ड करके लगाएंगे इस तरीके से, इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब दूसरी वाली पट्टी को हमें बढ़वा पट्टी लगानी है इस तरीके से। ठीक है, सिर्फ सिलाई को इसके अंदर दबाना है और इसको इस तरीके से सिल के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हमने सिलाई लगा ली है, अब इसको हमें पिन अप कर लेना है। ठीक है, दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर रख के पिन अप कर लेंगे अच्छे से, ताकि इधर उधर ना खिसके। बाद में यहाँ पर बटन लगा देंगे। अब फ्रंट पीस के ऊपर हमको बैक पीस को रखना है और इसका तीरा जॉइंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तीरा जॉइंट कर लिया है, अब इसमें हमें पाइपिंग लगानी है, तो हमें इसे उल्टा रखना है। ठीक है, जो इसकी उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है, और जो हमने ऑरे में पट्टी कट की है उसको इसके ऊपर रख के सिलना है। तो किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, इसी तरीके से हल्के हाथ से पूरे में ये पाइपिंग लगाएंगे।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि पलटते समय अच्छे से फिनिशिंग आए। अब सिलाई को अंदर की तरफ दबाते हुए इसको पलट के हाफ इंच फोल्ड करेंगे और पूरे में ये सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए अच्छे से पूरे को सिलाई को अंदर की तरफ करते हुए पलटेंगे और इसमें पूरे में सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमने पाइपिंग लगा ली है और जिस तरीके से ये वाली पाइपिंग लगाई है सेम तरीके से हमें इसके नेक के ऊपर और दूसरे आर्म होल्स पे भी लगानी है। तो यहाँ पर हमने पूरे में ये पाइपिंग लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब इसके यहाँ पर हमें फिटिंग वाली सिलाई लगानी है, तो ये सिलाई हमें दोनों तरफ लगानी है। तो यहाँ पर देखिए ये सिलाई हमने लगा ली है, इसी तरीके से यहाँ पर भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए सिलाई को हमने लगा लिया है, इसे सीधा करके रख देंगे और अब हमें इसका निक्कर पीस बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमको इसके आसन को जॉइंट करना है। सेम तरीके से हमें दोनों तरफ से आसन जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आसन के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके बॉटम को फोल्ड करना है, तो पहला फोल्ड हम हाफ इंच पे लेंगे, दूसरा भी हाफ इंच पे लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला फोल्ड हाफ इंच पे, दूसरा भी हाफ इंच पे, सेम तरीके से हमें दोनों तरफ से निक्कर के बॉटम को फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों को हमने फोल्ड कर लिया है, अब इसके आसन को सिलना है। ठीक है, तो नीचे से 3 से 4 बार सिलाई चला के चप लेंगे ताकि सिलाई ना निकले बाद में। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने सिल लिया है। अब यहाँ पर देखिए हम अपने निक्कर को उल्टा रखेंगे और जो हमारा टॉप पीस है इसको हम सीधा इसके अंदर डाल लेंगे और पूरे में राउंडली सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए इसमें पूरे में हम ये सिलाई लगा लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझा पाई हूँ, फिर भी अगर समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमने सिलाई लगा ली है और यहाँ पर ये हमारा पूरा जंपसूट बन चुका है। अब यहाँ पर हमें ये डोरी डालने के लिए एक पट्टी लगानी है, तो ये हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है और जहाँ पर इसका जॉइंट आया हुआ है वहाँ पर इसको हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए सिलना है, बिल्कुल अच्छे से कपड़े को खोलते हुए तब सिलेंगे। और यहाँ पर देखिए ये पूरे में हमने सिल लिया है, अब इसको ऊपर को भी इस तरीके से सिलना है, ऊपर वाले हिस्से को। ठीक है, पूरे को राउंडली सिल लेंगे। कोई नीचे से कपड़ा ना दब जाए इस चीज़ का ध्यान रहे, अच्छे से इसको बिल्कुल इस तरीके से फैलाते हुए सिल लेना है। और अब यहाँ पर हमें इसमें डोरी डालनी है सेफ्टी पिन की मदद से, तो यहाँ पर ये डोरी पूरे में इसी तरीके से डाल लेनी है। तो यहाँ पर देखिए डोरी डाल ली है और इसको कितना भी आप टाइट कर सकते हो इस तरीके से खींच के दोनों तरफ से इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर इसमें लटकन भी लगा लेंगे डोरी में, और या फिर आप सिंपल भी रख सकते हैं इस तरीके से। और इसके ऊपर हमें बटन लगा देने हैं यहाँ पर,
यहाँ पर बटन लगा लेंगे। बटन का वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर चुके हैं किस तरीके से लगाते हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल मैचिंग का भी बटन लगा सकते हो या फिर अलग से। तो यहाँ पर पूरा हमारा बेबी जंपसूट बनके कंप्लीट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।